नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं और आप सभी की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी परीक्षा की तैयारी को कर रहे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके कुछ इंपॉर्टेंट बहुत ही डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, जिनको आप लगातार लाइव क्लासेज में या किसी भी वीडियो के कमेंट में हमेशा पूछते रहते हैं। जैसे कि शॉर्ट लिस्टिंग कब तक होगी, क्योंकि मुझे भी एक समझ वाली बात है कि जब तक शॉर्ट लिस्टिंग कन्फर्म नहीं हो जाती, हर किसी को अपने मार्क्स को लेकर डाउट रहता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता, हर किसी का मन डगमगाता रहता है कि मेहनत इतनी कर रहे लेकिन ऐसा ना हो फाइनल हम शॉर्टलिस्ट से बाहर हो जाएं। तो उन सभी चीजों को लेकर आज इस वीडियो में आई हूं। ये क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं उन्हीं के थ्रू आपके क्वेश्चंस को डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, शॉर्ट लिस्टिंग कब तक होगी, पहले तो देखिए दोस्तों शॉर्ट लिस्टिंग कब तक होगी। अभी तो इसमें टाइम है, क्योंकि कुछ भी नोटिस अभी तक आया नहीं है, और अगर अभी नहीं आया तो आपको पता है इस हफ्ते तो कुछ भी नहीं होना है। पेट जैसा बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम आपका 16 और 15 तारीख को है, उसके बीच में तो यूपी ट्रिपल एससी अभी कुछ और नहीं करवा पाएगी, वही एग्जाम प्रॉपरली कंडक्ट करवाने की तैयारी में है। तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग अगर अभी नहीं आई, अगले हफ्ते से आपको पता है कि फेस्टिवल्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि अक्टूबर तक नहीं आएगी अगर, तो नवंबर में आपकी अगर शॉर्ट लिस्टिंग आती है तो दोस्तों क्या होगा, फिर आपका जो एग्जाम होगा वो ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, क्योंकि आपके पास नवंबर में जब शॉर्ट लिस्टिंग आएगी तो आप सभी लोगों को कम से कम एक महीने का टाइम दिया जाएगा आपकी फीस को भरने के लिए। तो यानी कि दिसंबर के लास्ट या जनवरी तक आपकी परीक्षा होगी। ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। परीक्षा कब तक होगी दोस्तों आपकी, जनवरी की स्टार्टिंग या फिर दिसंबर के लास्ट, अगर सब कुछ बहुत प्रॉपर तरीके से चलेगा तो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर आप लोगों के मन में बहुत डाउट है। मैंने बता दिया शॉर्ट लिस्टिंग आपकी नवंबर के पहले नहीं आ पाएगी। अब बात कर लेते हैं आपको जो डाउट है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। दोस्तों, उस चीज को मैं क्लियर कर लेती हूं। आपके कुल फॉर्म कितने पड़े इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से, आपको पता है यहाँ जो लगभग पद हैं आपके, लगभग 2700 पद हैं। अगर आप पिछला कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लेंगे, जैसे कि आपकी लेखपाल की परीक्षा हुई थी, वहाँ पे बुलाया 15 गुना को जाता है, लेकिन जब कैटेगरी वाइज बुलाते हैं दोस्तों, वो तो ऑटोमेटिकली संख्या हो जाती है आपकी, वो 30 गुना हो जाती है, यानी कि यहाँ पे भी लगभग 2.5 लाख लोग बुलाए गए थे। ठीक है, और अगर हम बात कर लें कि आपके 76 पद अभी सप्लाई इंस्पेक्टर के थे, वहाँ कितने बुलाए गए थे, वहाँ भी लगभग 2100 या 2200 लोग बुलाए गए थे। ठीक, उसी तरह से अगर हम यहाँ बात कर लें आपके मुख्य सेविका में, तो यहाँ भी लगभग दोस्तों 80 से लेकर 81,000 लोगों को बुलाया जाएगा, परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म कितने बड़े दोस्तों, तो फॉर्म जो है ना वो 50 से लेकर 60,000 मैक्सिमम इतने पड़े हैं, यानी कि बुलाना 81,000 को है, फॉर्म कितने पड़े हैं, 60,000 पड़े हैं। फॉर्म कितने पड़े हैं आपके, 60,000 पड़े हैं। ये भी समझा देती हूँ क्यों मैं कह रही हूँ कम पड़े हैं। पहली बात आपको समझनी चाहिए दोस्तों, इस बार जैसे कि आपको पता चल रहा है कि पेट 2022 में लगभग 37.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, पेट 2021 में दोस्तों कुल 17 लाख लोगों ने शायद फॉर्म ही भरा था, उसमें से भी कम लोगों ने फॉर्म दिया होगा, एग्जाम दिया होगा। तो पेट 21 में आपको पता है अभ्यर्थी कम थे, ऊपर से उसमें महिलाओं की संख्या क्या थी, महिलाएं भी कम थी। भाई जब पेट में कम थी, लोग ही कम है तो महिला भी कम होंगी। अब यहाँ पे जो आपसे सब्जेक्ट मांगा गया है, सोशियोलॉजी, सोशल साइंस, या फिर आपसे क्या मांगा गया है, सोशल वर्क, या फिर आपसे होम साइंस जो मांगा गया है, वो भी बहुत ही कम लोगों के पास है। इसीलिए मैं बता रही हूँ 60,000 से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म को नहीं भरा होगा। तो जितने लोगों ने फॉर्म भरा उससे ज़्यादा अगर वैकेंसी है तो क्या होगा, ये वही हाल होगा जो ANM में हुआ था, यानी कि जितने लोगों के 0 से ऊपर अंक होंगे, 0 से ज़्यादा अंक होंगे, वो सभी लोग इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। इसीलिए इस चीज़ की चिंता को छोड़कर कि शॉर्ट लिस्टिंग में हम हैं कि नहीं है, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, डिले मत करिए। सबसे अच्छी भर्ती के चांसेस हैं इस वाली नौकरी में आपको, और बहुत ही अच्छी, क्योंकि अगर आपने मेरे चैनल पे अभी भी वो इंटरव्यू नहीं देखा, मैंने एक मैम का इंटरव्यू लिया था, जाकर सारी प्रोफाइल सब कुछ देख सकते हैं, सारी चीज़ें उन्होंने प्रॉपरली अच्छे से बताई है। उसके बाद भी कोई क्वेरी है तो मैंने आपसे कहा आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा उन मैम से कॉन्टैक्ट करके फिर से आपको इंटरव्यू दिला दूंगी, जो भी चीज़ों की डाउट है आपको। तो देखिए दोस्तों, आपके मैंने बताया कि इसीलिए आप सभी लोग बिल्कुल इस चीज़ की चिंता को छोड़कर क्या करना है, आप लोगों को पढ़ाई करते रहना है। अब बात कर लेते हैं आप लोग बुक्स को लेकर परेशान हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी आपकी बुक्स के लिए कि कौन कौन सी बुक्स मार्केट में इस समय अवेलेबल है। अभी भी वही बुक्स हैं, अगर अच्छी बुक्स की बात करें तो कोई भी उसमें से एक भी एक्स्ट्रा बुक नहीं है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अभी मिल जाएगा। कौन कौन सी बुक मैंने बताई थी दोस्तों, एक तो आपकी चक्षु प्रकाशन की थी, जो आप में से कई लोग बोल रहे हैं कि अच्छी नहीं है, आप लोग देखे हैं उस बुक को, उसमें उतना अच्छा मैटर नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद यूथ का एक प्रैक्टिस सेट आता है, यूथ का प्रैक्टिस सेट जो दोस्तों आया है वो आपका पूरा 100 क्वेश्चंस वाला आया है। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे 100 क्वेश्चन आया, एक वो आया है, एक यूथ का ही और आया है, पॉइंटर टाइप आया है, उसमें पहले आगे टॉपिक है फिर आपके क्वेश्चंस हैं।
दूसरा आपके पास एक पब्लिकेशन है आर लाल पब्लिकेशन, इसकी बुक आई है। एक और बुक आपके पास आई है वो है विद्या प्रकाशन की। तो यानी कि काफी बुक्स आपके पास मार्केट में आ चुकी है और अभी कोई नई बुक आएगी तो उसके बारे में भी आपको तुरंत जानकारी दूंगी। तो काफी बुक्स हैं, आप जो भी आपको लगे आप मार्केट में जाकर देख कर उसको परचेज कर सकते हैं। मार्केट में जाइए, बुक्स देखिए, नहीं तो ऑनलाइन तो रिव्यू नहीं कर पाएंगे, इसलिए मार्केट जाइए, बुक को खोल खोल के देखिए, आपको जहां लगे सबसे बेस्ट है उसको आप ले लीजिए और उसे पढ़ाई शुरू कर दीजिए। बात करते हैं कोर्स कैसे कंप्लीट हो, क्योंकि अब जो अभी तक मैंने सोचा जा रहा था कि मुख्य सेविका में भी शायद वही चीजें आएंगी, रीजनिंग जीएस, लेकिन नहीं, मुख्य सेविका का पूरा जो सिलेबस है एकदम अलग है। तो आप लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं घबराना है, क्योंकि मैं डेली आपकी क्लासेस देती हूँ, वो बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं चार्ज होते उस क्लासेस के। आपको प्लेलिस्ट में जाकर आप आराम से उन क्लासेस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ। उसके बाद से आपको डेली मेरी लाइव क्लासेस जुड़ना है, ठीक है। टाइम अगर आपको कन्वीनियंट नहीं है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि मैम इस टाइम अगर कर देंगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, तो मैं देख लूँगी। अगर टाइम एडजस्ट करना होगा तो मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि क्लासेस आप ही के लिए है, तो जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे मुझे उतना ही बेहतर लगेगा पढ़ाने में। तो आप एक बार मेरे पढ़ाने के स्टाइल को पढ़ देख सकते हैं और उससे फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बाकी देखिए, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, मैं सिर्फ पढ़ाऊंगी। अगर हम बात कर लें कि मेरे चैनल पे मैंने क्या क्या करा रखा है दोस्तों, तो मैंने आपको मुख्य सेविका के कार्य और उनकी जिम्मेदारियां करा रखा है, ये टॉपिक आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में। विवाह परिवार भाषा वाला पूरा पोर्शन करा रखा है मैंने। फिर मैंने आपको रोग अभी कल ही खत्म करवाया है आपका। आगे बात कर लें अगर गर्भधान से संबंधित जो भी प्रश्न था, गर्भधान की अवस्थाएं, गर्भपात वगैरह, वो पूरा टॉपिक करा दिया है आपका। फिर आपको बताऊं तो पोषण से संबंधित जो चीज़ें थी, खाने में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए और किससे क्या प्रोटीन की कमी से क्या रोग होते हैं, ये सारे टॉपिक हमने अभी कवर किए हैं। अब इसके आगे हम लोग आगे कवर करेंगे, अभी हम लोग कवर कर रहे हैं अभी चीज़ें। मैं तो आपको सिर्फ जो लोग नए हैं उनको बता रही हूँ कि ऐसे ही कोर्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको प्लेलिस्ट देखनी है प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाके ज़रूर देखिएगा। आपको पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम का ग्रुप मुख्य सेविका का अलग बनाया हुआ है, अब मेरे मेन चैनल से अलग मैंने बना दिया है, आप लोग उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर कोई भी चीज़ मुझे बतानी होती है तो वहाँ पर शुरुआत कर दी जाएगी उसकी, ठीक है दोस्तों। और बाकी एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, मुख्य सेविका की काफ़ी गर्ल्स की ये प्रॉब्लम है, वो कह रही कि उनकी पेट की तैयारी नहीं हुई तो एग्जाम देने ना जाए, दूसरा सेंटर दूर पड़ा है। मैं आपको पर्सनली ये एडवाइस दूंगी कि आप लोगों में से कोई भी लोग इस चक्कर में मत एग्जाम को छोड़िए कि एग्जाम का सेंटर दूर पड़ा है। ज़रूर एग्जाम को देने जाइए, क्योंकि एग्जाम ये जो आपको, जैसे आपने पेट पिछली बार दिया था फायदा मिला ना आपको, ऐसे ही आपको नहीं पता कि आपके स्कोर कम रहे लेकिन फिर भी कोई वैकेंसी आपकी ऐसी आ जाए जिसमें आप दोबारा एलिजिबल हो जाएंगे, और अगर आप एग्जाम ही नहीं देंगे तो आपको पता है कि फिर कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए पेट का एग्जाम जरूर देने जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा।